नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि मिस भूतनी के कहने पर लुट्टो भैया अपने दोस्त का नुकसान करते जा रहे थे, तब जब लुट्टो भैया अपने कॉलेज फ्रेंड विकास को नकली जमीन बेचने का चूना लगाने के लिए गए, तब लुट्टो भैया को विकास ने पहचान लिया। अब देखना ये होगा कि लुट्टो भैया इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं और वो मिस भूतनी लुट्टो भैया से ये सब क्यों करवा रही है। इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और मेरा यकीन मानिए, आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस बात का राज जानने के बाद। एक मिनट, अरे तुम तो वही हो, मेरे कॉलेज फ्रेंड लुड्डो। कौन लुड्डो, किसकी बात कर रहे हो तुम? हम तो किसी लूडो पबजी को नहीं जानते। अच्छा, तो फिर मेरे से ही गलती हो गई। मगर एक बात बताऊं, आप हूबहू मेरे कॉलेज फ्रेंड लूडो जैसे लगते हो, एकदम डिट्टो। किसी और गलती होगी, बड़े लोगों की कॉपी कौन नहीं करता, हर कोई करता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इस जमीन को ना अपनी पत्नी के जैसे प्यार किया है, प्लीज इसका ध्यान रखना। अरे सेठ जी, आप फिक्र क्यों करते हो, अरे हम भी आपकी पत्नी को प्यार करेंगे। क्या बकवास मार रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा तू? माफ कीजिए, मेरे कहने का मतलब है हम भी इस जमीन को पूरा वैसे ही प्यार करेंगे जैसे कि आप करते हैं, और इस आलीशान जमीन पे मैं एक गेस्ट हाउस बनाऊंगा। ए मुंगेरी लाल, इधर देख, आज से जमीन तेरी हो जाएगी, फिर इस पे चाहे तो अपना गेस्ट हाउस बनवा, फार्म हाउस बनवा, चाहे अपनी कबर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस प्यार करिए जमीन को। अरे लाला जी, आप फिक्र क्यों करते हो, सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये लो, ये है जमीन के कागजात, यहाँ अपने ऑटोग्राफ कीजिए और वो बैग हमको दीजिए जल्दी। पेन? हाँ हाँ। अरे अरे वो तो हमारे पास आई नहीं, जो तुम समझ रहे हो, पेन है। बैग दो इधर बैग। अरे ये पहले एक डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ लो। क्या डॉक्यूमेंट पढ़ने को? अरे सरेआम नंगा कर रहा, हमारी बेइज्जती कर रहा है। अरे किससे मिलवा रहा है, अरे क्या कर रहे हैं तू, हम पे शक, पागल है क्या? अरे हमारे सेठ जी बहुत बड़े आदमी है, 300-400 करोड़ के घपले मतलब डील्स किए उन्होंने। अरे प्रॉपर्टी को ऐसे बेचते खरीदते ऐसे, और तूने भरी सभा में कर दिया मेरे सेठ जी को बदनाम। हे राम, बात सुनो, वैसे सभा तो खाली है लेकिन बेइज्जती तो की है ना इसने हमारी, डील कैंसिल, चलो वापस। अरे 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 सेठ जी, सेठ सेठ सेठ, मेरे मुंह से निकल गया भैया। कोई बात, माफ कर देते बच्चा। हाँ ये लीजिए, गुड, ये डील डन बेटा, रखने पे बात। ठीक है, चलो ड्राइवर गाड़ी निकालो। गाड़ी तो आप देख रहे थे ना, चला। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर, ध्यान रखना। ठीक है, बाय बाय। अरे क्या अजीब पागल है, 2 करोड़ की जमीन 50 लाख में दे गया। देने वाला जब भी देता चप्पर फाड़ के, देने वाला जब भी देता चप्पर फाड़ के। हे चचा, कल से अपनी कुर्सी कहीं और लगाना, समझे, ये जमीन अब हमारी हो गई है। नशा करके आया है के, पागल हो गया है के बावड़ी पूछ? अरे नशा नहीं चचा, ये जमीन सेठ धनी राम की थी, पूरे 50 लाख रुपए पे खरीदी है हमने। धनी राम? कौन धनी राम? यो जमीन सरकारी सया सरकारी, वो देख वो बोर्ड लगा पड़ा। मैं तो इसकी रखवाली करता हूँ, अगले महीने से सरकारी स्कूल का काम शुरू होने वाला है यहाँ। अरे कोई दिन दहाड़े मेरी ले तो नहीं गया, एक मिनट रुको। अच्छा, अब समझ में आया कि इतनी महंगी जमीन इतने सस्ते में क्यों देते थे, और ऊपर से पेपर भी नहीं पढ़ने दिए। ये पता लग गया कि छप्पर फटा है कि कुछ और। अबे आराम चाहे, मैंने तुझे बोला था ना कि कागज पढ़ ले, बोला था ना।
यार, ये मैं ठीक नहीं कर रहा। मैं अपने दोस्तों का पागल बना रहा हूँ यार। इतने सारे पैसों का मैं क्या करूँगा? मुझे ऐसा लगता है मुझे ना उनको सब सच सच बता देना चाहिए यार, नहीं तो मैं सारी जिंदगी ऐसे कुट कुट के जीता रहूँगा। देख लुड्डो, तो ऐसा बंदा नहीं है यार, तो किसी के साथ इतने नजायज बनती नहीं कर सकता। देखी जाएगी यार वो मम्मी सबूतनी जो भी करेगी मेरे साथ। मैं अपने दोस्तों को सब सच सब सच सच बताने जा रहा हूँ। चल देखो, तुमने जो करना मेरे साथ कर लो, लेकिन मैं अपने दोस्तों का आप सच सब सब सच सच बताने जा रहा हूँ। चले जाओ, लेकिन जाने से पहले अपने उन दोनों दोस्तों की सच्चाई तो समझो। सजाई को कौन सी सजाई? अबे ओए, फीस का इंतजाम हो गया, पापा ने बहुत मुश्किल से पैसे जमा किए हैं। हाँ, इसमें से थोड़े पैसे बचेंगे, चल तेरे को समोसा खिला दूंगा। तेरे को बताया था ना रात को फोन पे मैंने? अब पूरी खुशी हो रही छाती चौड़ी करके। अबे वो कौन से मेरी बुआ के लड़के हैं, रामपुरी था उनके पास, पेट पे घुसा के सारी नूडल्स बाहर निकाल देंगे। हाँ बड़ी भाई, क्या हाल है, कैसे हो, बन गई बात? ये लो भाई, अब हमारा हिस्सा हमको दे। चलो काम अच्छा किया, चल निकल। अरे ये चैन तो मेरे को दे, मैं रहूंगा भाई। अरे चल निकल, ठीक है ठीक है, फिर मिलेंगे। ओके भाई, मैं वॉशरूम जाके आ रहा हूँ, तू नहीं उठेगा, अभी हम और पिएंगे, तू यहीं पे रहना ठीक है? यहीं पे हूँ, यहीं पे हूँ, बाय बाय। मैंने ना तुझे एक बात बोलनी थी। बोल। तू ना मुझे बहुत पसंद है। पसंद तो मुझे तू ही है, मेरी अच्छी दोस्त है तू। दोस्त वाला नहीं यार, तू मुझे दोस्त वाला नहीं अच्छा लगता, तू समझता क्यों नहीं है? समझ गया। किरण नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, किरण किरण तुम कुछ गलत समझ रही हो, वो मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया, वो मेरी दोस्त है, वो पता नहीं मेरे को थोड़े चक्कर आ गए इसलिए लेट गया मैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं किरण, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मुझे आपके पास मिलने की जरूरत नहीं। जिन लोगों को तुम अपना दोस्त समझते थे वो सांप थे, सांप। उन साले मातर मित्रों को मैंने इतने दिल से प्यार किया, इतने दिल से दोस्ती निभाई, उन सालों ने मेरे से ये गद्दारी करी हैं? सच्चा दोस्त मानता था उनको, लेकिन सालों ने एक बात बताओ, तुम्हें ये सब करके क्या मिला हैं? तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों सोचा? मैंने नहीं, तुम्हारी माँ ने सोचा, मुझे यहाँ तुम्हारी माँ ने भेजा है। तुम्हारी माँ ने जब से देखा कि तुम्हारे दोस्त तुम पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, वो बेचारी बहुत परेशान हो रही थी, उससे नहीं देखा जा रहा था ये सब, वो चाहती थी बस तुम्हें अपने दोस्तों की सच्चाई मालूम पड़े, तुम उनसे बदला ले सको और अपनी आने वाली जिंदगी में चौकन्ना होके जी सको। और मैंने जानबूझकर तुम्हें डरा कर तुमसे ये सब काम करवाया, क्योंकि अगर मैं प्यार से तुम्हें ये काम करने को बोलती तो ना तुम अपने दोस्तों की सच्चाई को कभी जान पाते और ना उनके साथ वैसा करते। और रही बात इस पैसे की,
तो इस पैसे को तुम बेसहारा लोगों में बांट देना, क्योंकि तुम्हारे उस दोस्त विकास ने बेसहारा लोगों पर अत्याचार कर करके ही अपनी जेबें भरी थी। और हाँ, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, उसकी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। अपना ख्याल रखना, खुद के लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए। अलविदा। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। लला लला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, लुल्लो खरे बन के तेरा साया, मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। दोस्तों, अपनी माँ से मोहब्बत किया करो, उसकी इज्जत किया करो, क्योंकि सारी दुनिया में एक वही है जो मरने के बाद भी तुम्हें मोहब्बत करना नहीं छोड़ेगी। सच कहा है किसी ने कि मुश्किल राहों में भी जो ये आसान सफर लगता है, जे मुझे मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। शुक्रिया।